क्योंकि हमारे लोकल स्थानीय नागपुरी गायक के द्वारा बहुत सुंदर गायन की प्रस्तुति की जा रही है। कोदोपारा क्षेत्र में विधायक श्री विनय भगत जी सन्ना तहसील के ग्राम बिसोड़ी में देवगुड़ी का नवनिर्माण जो हुआ है उसका आज लोकार्पण करते हुए सोचिए रात हो कि दिन हो कभी भी किसी भी समय ग्रामीणों के बीच में पहुंच जाते हैं और लगातार सतत उनसे जनसंपर्क बनाए हुए हैं। उनके सुख में उनके दुख में उनके विकास कार्यों में लगातार सहभागी बनते आ रहे हैं। इसी कारण आज लोकप्रिय विधायक के रूप में उनको जाना जाता है। माननीय विधायक विनय भगत जी देवीगुड़ी का लोकार्पण करते हुए पूजा करते हुए आप देख रहे हैं। उधर हमारी ग्रामीण महिलाएं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, खुश है। कितना सुंदर मांदर का थाप और घंट का आवाज़ और उनकी मधुर आवाज़ को आप सुन रहे हैं। कितना खुश हैं अपने विधायक को अपने बीच पा करके और ये देवगुड़ी निर्माण कार्य को देख करके। रात के समय माननीय विधायक जसपुर विनय भगत जी के द्वारा इतना ज़्यादा कार्यक्रम, ये आप देख रहे हैं पुलिया है, पुलिया निर्माण होना है, ये नाला है टूटा हुआ। माननीय विधायक जी श्री विनय भगत जी के द्वारा आज भूमि पूजन करने आए हुए हैं सन्ना तहसील के ग्राम बिसोड़ी में ऊपर वाला भी आ रहा है, आप देख रहे हैं। Thank you.
धर्म है, जय धर्म, जय धर्म आयो। हमारी खूबसूरती देखिए, हमारी संस्कृति की खूबसूरती देखिए, हमारे जसपुर के आदिवासी अंचल में माननीय विधायक विनय भगत जी से इतना इनका लगाव हो गया कि छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और लगातार यह विधायक का खूबसूरत पल कैमरे में मैं कैद कर रहा हूँ। वास्तव में इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमारे जसपुर सुंदर जसपुर, यहाँ का प्रकृति जितना सुंदर है उतना ही सुंदर यहाँ के लोग हैं, बहुत ही सुंदर बेहतरीन।